रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, परियोजना अधिकारी सहित संयुक्त मोर्चे ने मिलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर महिलाएं सड़क पर बैठ गई हैं, जिसके कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि जिले भर से प्रदर्शनकारी रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के रास्ते पर चल चुकी संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी 17 सूत्री मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण की मांग बताई जा रही है। ज्ञापन पत्र में कहा गया कि देश के विभिन्न राज्यों में जब जब लाभ मिल रहा है, तो प्रदेश में उन्हें क्यों लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज परियोजना अधिकारियों की ग्रेड पे 3600 है, जो काफी वर्षों से चली आ रही है, इसे बढ़ाकर 4800 किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने भी अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि हर काम में उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वेतन के नाम पर उनकी उपेक्षा हो रही है। संयुक्त मोर्चे के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कहा गया कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। पूरे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और सुपरवाइजरों का जो है एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसके अंतर्गत ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जिसमें मुख्य मांग हमारी ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो है परमानेंट कर्मचारी बनाया जाए, 26,000 उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, 1500 रुपये जो उनका न्यूनतम वेतन काट लिया गया है उसको वापस किया जाए, और ये हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ये हमारा निरंतर आंदोलन जारी है अनिश्चितकालीन। 5 तारीख को दिल्ली में 5 तारीख को दिल्ली में पड़ाओ। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता सहायिकाओं ने घेराव किया था यहाँ। हाँ जी, ये संयुक्त मोर्चा महिला बाल विकास विभाग के रीवा इकाई में परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के संयुक्त मोर्चे के द्वारा पर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कलेक्टर सर के माध्यम से, और उसमें जो मुख्यतः मांगे हैं वो पदोन्नति, वेतन विसंगति और मानदेय को लेकर के प्रमुख मांगे रखी गई हैं। अभी ये चक्का जाम भी की थी महिलाएं, करीब 2000 महिलाएं। हाँ, महिलाओं की आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता और सुपरवाइजर्स की भीड़ थी काफ़ी, लगभग 2000 की संख्या में रहे होंगे। समझाइश दी गई, उनके ग्रुप अलग अलग थे, जाम जैसी स्थिति थोड़ा सा बनी थी, परंतु ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं था।